गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज हम कक्षा 7 वसंत का नवा पाठ पढ़ रहे हैं, चिड़िया की बच्ची। इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि माधवदास नाम का एक सेठ रहता है। तो वह एक दिन अपने बगीचे में बैठा रहता है, तो वहीं एक चिड़िया आती है। उस चिड़िया को देख करके माधवदास मोहित हो जाते हैं और उस चिड़िया से मित्रता करना चाहते हैं। चिड़िया क्या थी? वो अपनी माँ से दूर कहीं घूमने आई थी और थोड़ी देर विश्राम करने के लिए माधवदास के बगीचे में रुक गई थी। उसे नहीं पता था कि ये माधवदास का बगीचा है। जब माधवदास ने उससे कहा कि चिड़िया, यह तुम्हारा बगीचा है, तुम यहाँ रुक सकती हो, तब चिड़िया ने कहा कि मुझे जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे यहाँ रुकना नहीं है। लेकिन माधवदास ने विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरीकों से चिड़िया को रोकने की कोशिश की। उन्हीं तरीकों में से एक ये था कि माधवदास ने कहा था चिड़िया से कि अगर तुम यहाँ रुक जाओगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, बहुत सारा सोना दूंगा, बहुत सारा पैसा दूंगा। तो चिड़िया को इन सब चीज़ों से क्या मतलब है? तो चिड़िया ने कहा, मुझे माला माल नहीं होना है, मेरे पास माँ है और मैं माँ के पास रहूँगी, मुझे माला माल नहीं होना है। तो सेठ नाराज़ हो जाता है और क्या कहता है, यहाँ से देखते हैं। सेठ कहता है, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की तो जगत को तृष्णा है। तृष्णा मतलब प्यास, जगत मतलब संसार, यानी पूरे संसार को उसी की चाह है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा समूचा सोने का होगा, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। देखो बच्चों, माधवदास ने एक लालच और दिया, चिड़िया को कहा कि मैं तुझे सोना दूंगा, और जिसको जगत को तृष्णा है, जगत मतलब संसार, तृष्णा मतलब प्यास, चाहत, जिसको संसार की चाहत है सोने की, मेरे पास ढेर का ढेर है। और क्या कहा था कि समूचा मतलब पूरा, तेरा पूरा घर मैं सोने का बनवा दूंगा, पिंजड़ा जो है सोने का बनवाऊंगा, और तुम्हारी कटोरी भी सोने की होगी जिसमें पानी पियोगी। ऐसा लालच दिया तो क्या चिड़िया मान जाएगी? क्या चिड़िया को सोने से कोई सरोकार है? देखते हैं। चिड़िया कहती है, वो सोना क्या चीज होती है? देखो चिड़िया तो है, उसे सोना भी नहीं पता। तो सेठ कहता, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है ना, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, और जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं। देखो माधवदास अब अपने घमंड की बात कर रहा है ना? जिसके पास बच्चों घमंड होता है ना, तो अगर धन है तो घमंड है, और कई बार वह घमंड में ऐसी बातें करता है। और देखिए यहाँ से एक घमंड की बात क्या पता चलती है कि वो कह रहा है कि मैं जिससे बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, ये उसका घमंड बोल रहा है। और क्या बताया उसने कि मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, एक तरीके से अपने ठाट बाट की चर्चा कर रहा है। देखते हैं क्या चिड़िया प्रभावित होती है इससे। फिर क्या कहता है सेठ, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? देखो बच्चों, उसने अपने दास दासियों को भी बताई कि मेरे पास असंख्य दास दासियां हैं, अगर मेरा मन प्रसन्न हो गया तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा वरदान दूंगा। लेकिन चिड़िया क्या कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। बाट यानी रास्ता। चिड़िया देखी घर जाना चाहती है, तो सेठ क्या कहता है, अच्छा ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं।
वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस पहाड़ के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती है। तेरी सुंदर, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। देखो बच्चों, सेठ ने चिड़िया को प्रसन्न करने के लिए, चिड़िया को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के आकर्षण दिए, उनको विभिन्न प्रकार से उनको आकर्षित करने की कोशिश की, जैसे कि बगीचे के फूलों की बात की और घोंसले की बात की कि सुंदर सा घोंसला यहाँ पर तुम बना सकती हो, माँ के पास क्या है, सोने से मढ़ने की बात की, मूल्य चमकाने की बात की। तो क्या चिड़िया इससे मान जाएगी? चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती हूँ, हाँ इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाती हूँ, भूल जाऊँगी। लेकिन सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास अर्थात एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, यानी क्षण भर में हो गया, चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। अब देखिए माधोदास कोई नया चाल चलने वाला है। अब उस चाल क्या चली, उसने एक बटन दबाई और उस बटन का परिणाम यह हुआ कि एक नौकर अंदर से बाहर आया। अब क्यों बाहर आया आगे हम जानेंगे। सेठ कहते हैं, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। ये देखिए बच्चों, वो सेठ चिड़िया को पकड़वाना चाहता था अपने नौकर से, जतन यानी प्रयास, पकड़ने का प्रयास में चला गया। कौन? नौकर। अब देखते पकड़ पाता है। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब देखिए सेठ चिड़िया को बातों में उलझाना चाहता है ताकि उस नौकर को अवसर मिल जाए। फिर क्या हुआ, चिड़िया बताने लगी, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है, सेठ कहता है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। देखिए चिड़िया को शक हो रहा है, चौकन्नी हो गई। फिर क्या हुआ, सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, यानी एहसास हुआ, जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजों में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ हो माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई और बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक नीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। देखो बच्चों किस तरीके से चिड़िया डर गई, इतना डर गई कि वो पलक नीच
यानी अपनी आंखों को इतनी जोर से मींच लिया यानी दबा लिया और माँ की छाती से चिपक गई कि अब पलक न खोलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत डर गई थी। हुआ क्या था उसके साथ, ये पूरी घटना में आपने पढ़ा कि माधवदास नाम का एक अमीर आदमी जो था, सेठ था, वह उस चिड़िया को पकड़वाना चाहता था और वही एक कठोर स्पर्श यानी वो जो दास था माधवदास का, उसके हाथ का स्पर्श चिड़िया को जैसे देह को छू गया, शरीर को छू गया, तो चीख दे करके वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचकर भागी थी, यानी बाल बाल बच गई थी पकड़ने से, और अपनी माँ के पास गई थी और रोने लगी थी कि अब वो शायद कहीं नहीं जाएगी। ये देखिए बच्चों, अगर हम थोड़ा सा इसको देखें हम, तो ये माधवदास का नौकर है और इस चिड़िया को पकड़ना चाहता था, लेकिन चिड़िया पकड़ में आ करके भी नहीं आई और चली गई, उड़ गई और ये यहाँ पर अपनी माँ के पास आ गई। तो बच्चों आपने इस पाठ को पढ़ा, इस पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी, और उन्होंने जैनेन्द्र कुमार जी ने इस पाठ के माध्यम से हम सबको ये समझाने की कोशिश की है कि खासकर छोटे बच्चे कि उनको कहीं भी दूर नहीं जाना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। माधवदास जैसे सेठ लालच देते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं आप लोग तो आपको पैसे का लालच देंगे, टॉफी का, चॉकलेट का लालच देंगे, खिलौने का लालच देंगे, घुमाने का लालच देंगे, इस तरह का लालच दे करके और आपको पकड़ सकते हैं और किडनैप कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। इस पाठ में हमें यही संदेश मिलता है। बहरहाल आगे चलते हैं। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वो सुखी नहीं था? तो देखिए, माधवदास के कोठी थी, बगीचा था, नौकर चाकर थे, बहुत सारा सोना था, इससे पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। और किन बातों से ज्ञात होता है कि सुखी नहीं था? तो माधवदास एकदम अकेला था, सब कुछ उसके पास था लेकिन परिवार में कोई नहीं था, परिवार में एकदम अकेला था, और इसी से पता चलता है कि वह बहुत दुखी था। वो चिड़िया को अपनी मित्र बनाना चाहता था, चिड़िया को अपने पास रोकना चाहता था बातें करने के लिए, तो इससे पता चलता है कि वो एकदम अकेला था और अकेलेपन के कारण वह सुखी नहीं था। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि आपने पढ़ा, माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा नहीं कह रहा था। माधवदास चिड़िया को पकड़ना चाहता था, उसे पिंजड़े में कैद करना चाहता था, कैद करके उससे बातें करना चाहता था, इसीलिए चिड़िया को देर हो जाए, चिड़िया को देर तक वहाँ पर रोक कर रखे ताकि उसे पकड़ने का अवसर मिल जाए, इसीलिए वह चिड़िया को बार बार कहता था कि ये बगीचा तुम्हारा है। आगे, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही है। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें माधवदास जो था उसे अपने धन का बड़ा घमंड था, उसके पास बहुत सारा धन था और माधवदास को लग रहा था कि धन के बल पर वह किसी को भी अपने कब्जे में कर सकता है, धन के बल पर वो किसी को भी खरीद सकता है, किसी को भी धन के अधीन कर सकता है। माधवदास के ये मनोदशा थी, ये मनोभाव था, अहंकार था धन का और धन के अहंकार में वो कुछ भी कर सकता था, ऐसा उसे विश्वास था। लेकिन जो चिड़िया थी, चिड़िया को ऐसा विश्वास था कि इस धन का कोई मतलब नहीं है, चिड़िया के लिए तो उसका असली धन उसकी माँ थी। चिड़िया को सोने से कोई लेना देना नहीं था, माला माल होने से कोई लेना देना नहीं था, तो ये मनोभाव चिड़िया के थे, इनको आप लिख सकते हैं। आगे, कहानी के अंत में चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो इसको आप अपने आप से लिखेंगे, बस आपको ये लिखना है कि क्या चिड़िया अगर पकड़ जाती तो आपको अच्छा लगता, या चिड़िया भाग गई वहाँ से, बच करके भाग गई तो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आप अपने मनोभाव अपने विचारों के हिसाब से लिखेंगे। चलिए आगे आते हैं। मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी,
चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो ये भी बच्चों आप अपने आप से लिख सकते हैं, चिड़िया ने कहा था कि माँ मेरी बाट देखती होगी, बाट यानी रास्ता। तो आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं कि माँ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कि माँ के बिना क्या आपका जीवन संभव है, क्या माँ के बिना आपका पालन पोषण संभव है, क्या माँ के बिना आप अपने दैनिक क्रिया कार्य कर सकते हैं, क्या माँ के बिना आप बड़े भी हो सकते हैं, क्या माँ के बिना आपकी बुद्धि का विकास हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या माँ की इन सारी चीज़ों में भूमिका है भी या नहीं भी, आप क्या समझते हैं, आप अपने शब्दों में इसको लिखेंगे। और इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों। तो इस कहानी के बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, जैसे क्या थी इसमें, नन्ही चिड़िया, चिड़िया की बच्ची, छोटी चिड़िया, बुद्धिमान चिड़िया, चंचल चिड़िया, सुनहली चिड़िया, सुंदर चिड़िया, जो भी आप देना चाहें, और उसका कारण भी लिखेंगे, ठीक है। क्यों कि आप अगर आप नन्ही चिड़िया लिखना चाहते हैं तो क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। सुंदर चिड़िया क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। तो आप इसका कारण भी दे देंगे, जो भी शीर्षक देंगे आप अपने विवेक से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल इतना ही करना है, बाकी जो शेष चीज़ें हैं कहानी से आगे हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके हमें भेजिएगा, और अपनी नोटबुक आप लोग सभी कंप्लीट करते जाइएगा और उसको करके आप मुझे भेजते जाइए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।